मधुबना जंगल रे गोटे सुंदर नदी टे बही जाई थाए। से नदी ठारु किछि दूर रे गोटे छोट घरे रहुथाए टिकी चढ़ई। तार आउ केहि भी नथिले। छोट बेळु तार बापा मा ताकु छाड़ी आरपारी को चली जाइथिले। सेबे ठारु सिए सेई घरे एका ही रहुथाए। छोट बेळु त बापा मा मते एका करी चली गले। मु काहि केते वर्षरु ए घरे एका रहिछि। मो घर पाखरे कहीं केते दूर जाके कौ चढ़ेर भी घर नहीं। आरे पानी तो सरी जाए। मु जाए नदी रु टिके पानी पी चली आसे। एमिति कही टिके चढ़े नदी को पानी पीवा को चली गला। से सेठारे हटात देखिला गोटे बसा भासी भासी आसुची। आउ से बसारे दुईटी गंडा अछि। सी जाए से बसाटी को पानी रु उठाई आनिला। आरे ए बसा कहार ए बसारे तो दुईटी कुनी कुनी अंडा अच्छे हेले एठी तो केही भी कुआडे नहांती। हाँ हाँ मते लागुची काले रात्रि जो वर्षा पवन होइथिला सेही वर्षा पवन रे कहा बसा भांगी जाइची। आउ ए अंडा नदी रे भासी भासी आसीथिबो। मु एठी किछि समय अपेक्षा करे। जदि को चढ़ई रो अंडा होइथिबो से एठाकु निश्चिंत आसीबो। एमिति कहि टिकी चढ़ई से नदी कूल रे किछि समय अपेक्षा कला। हेले केते समय बीती गला परे भी सेठाकु केही भी आसिलेनि। तापर टिकी चढ़ई से अंडा को नहीं ता निज घर को चली आसिला। मु तो नदी कूल रे केते समय जाके अपेक्षा कली हेले केही भी आसिलेनि। आज ठारु ए अंडा मोर मु यार जत्न नेबी। एमिति कही टिकी चढ़ई से दुईट अंडा को बहुत जत्न रे रखिला। किछि दिन परे से अंडारु दुईट सुंदर सुंदर चढ़ई बाहरिले। टिकी से दुई जन को देखी बहुत खुशी होई गला। जणकर ना रखिला मिक्की आउ जणकर ना मीनू। मिक्की आउ मीनू टिकी चढ़ई को निज माँ बोली भाविले। धीरे धीरे समय सहित मिक्की आउ मीनू भी बड़ होइगले। देखु देखु या भितर दस वर्ष बीती जाई थाए। टिकी चढ़ई आउ आग भली काम करी पारु नथिला। थरे टिकीर देह बहुत खराब होइगला। एमिति देखि मिक्की आउ मीनू ता पाखकु आसिले। माँ आज ठारु तुम्हें आउ काम करिबनी। तुम्हार एबे आराम करिबो समय। सब काम मु बुझिबी। तुम्हें केवल घरे रही विश्राम करिबो। नाही रे माँ तुम्हें दुई जन एबे बहुत छोट अछ। तुम्हें माने क्यों काम करिबो। माँ तुम्हें एते कथा चिंता करनी। तुम कथा बुझेबा को तुम्हार दुईटी झी अछंती। एबे तुम्हें निश्चिंत रे घरे विश्राम कर। मीनू तू माँ का पाखरे रह आउ तांकर देखा सुना कर। मु बाहर को जाए देखे काले जदि किछि मते काम मिल जिवो। तापर मीनू चढ़ई घरे रही मार देखा सुना करे। आउ मिक्की चढ़ई सेठारु चले जाए। से बहुत ताड़े जाए काम खोजे। अन्य चढ़ई मानंको भी पचारे हेले ताको कोठी काम मिले नहीं। देखु देखु संध्या होई जाए। घर को फेरिबा बाटरे से देखे गोटे चढ़ईटे आहत अवस्था रे पड़ी। मिक्की ताको देखी भारी दुख लगे। से ताको निज सह घर को नहीं आसे। दीदी तते किछि काम मिलिला तो काम पाइलु ना नहीं। आउ ये के तू काकू संगरे नहीं के सिजो। नाही मीनू मते आज किछि भी काम मिलिलानी। मु गोटे गछरु किछि मिठा फल नहीं आसी। हेले फेरिबा बाटरे एई चढ़ईटे आहत अवस्था रे पड़िथिले। सेथि पाई मु तंगु संगरे नहीं आसिली। तू टिके आंक देहरे औषध लगे दे। तापरे दुई भौणी मिसी से चढ़ईर देखाशुना कले। किछि दिन भितरे से चढ़ईटी संपूर्ण रूपे भल होइगला। तुम मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें दुई जन मत भल करिद। मु तुम मान ऋण केबे भी सुझी पारिबिनि। हेले तुम्हें किए आउ तुम्हें सेठी एमिती आहत अवस्था रे केमिति पड़िथिल। मु खाद्य खोजिबा पई एई जंगल को आसीथिली। हेले हटात मोर मुंड बुलेई देला आउ मु सेठी पड़ी गली। एबे त तुम्हें पूरा पूरी सुस्थ होई गलेनी। तुम्हें एबे तुम घर को आराम रे जाई परिबो। हां जे हेले तुम्हें दुई जन जदि मो सह आसंत ताहेले मो मा तुमको देखि बहुत खुशी होंता। मिक्की आउ मीनू चढ़ई से चढ़ईटीर कथार राजी होई गले। आउ ताकू छाड़ीबा पई ता घर को गले। से घरे से देखिले
गोटे चढ़ेटे बसीचि से जमा भी से चढ़ेर माँ भली लागू नथिले। तु ए दुई जन को मो पाख को नहीं आसिलु, तते बहुत बहुत धन्यवाद। से चढ़ेटीर मुहर एमती शुणी मिकी आउ मीनु बहुत डरी गले। रानी आज्ञा, तुम्हें जल्दी जल्दी भल हो जाओ, तापर आम समस्ते मिसी से जादूर घरे बहुत खुशी रहिबा। ना रे, से समय आउ नहीं, तू एमानको मो पाख को आनिलु, मोर शेष इच्छा पूरण होगला। हेले मु एमानक सह आउ रही पारिबिनी, मोर शेष समय आसीगलानी। मु मो शेष समय रे मो पिला मानको देखि पारिली, ये मो पई बहुत बड़ कथा। एमती कहवा पर हठात से चढ़ेटी मरीगला। मिकी आ मीनू बहुत डरी गले। देख, तुम्हें दुई जन जमा भी डरनी, मु तुम दुई जन को किसी सत कथा कहवा को चाहे। ये होउछंती महारानी आउ तुम मानकर प्रकृत माँ। किछि वर्ष तले किछि दुष्ट पक्षी माने आम जंगल उपर आक्रमण कले, आउ तुम मानको बचाइबा को जाई तुम माँ तुमको सेठारे छाड़ दे आसी। तुम माँ तुमपाई तीनोटी जादूर घर छाड़ दे जाइछंती, तुम्हें आज ठारु सेठी आराम रे रहिबो। ना ना, आमे से सब किछि भी जानिनु, आमे केवल एतिक जानिचु टिके चढ़े ही होची आम माँ, जी आम को छोट बेलु एत्ते बड़ करिचि। हाँ दीदी, तू ठीक कहुचु, ये आम माँ नुहंती, आम माँ आम घरे आम को अपेक्षा करिथिबे। चल आमे जल्दी जिबा। सेमानंक कथा सुनिबा परे से चढ़ेटी ता जादू बळरे सेठी तीनोटी घर करिदेला। मिकी आ मीनु से घर को देखी बहुत खुशी होइगले, किंतु से ता निज घर को फेरी आसिले। मीनु सतर कण सी आम माँ थिले, जदि सी आम माँ थिले तेबे ये किए। ना दीदी, से चढ़ेटी मिछ कहुची, टिके चढ़े ही होची आम प्रकृत माँ, जी आम को छोटर बड़ करी। तु एत कथा भावना, चल आम घर को जीवा। माँ तुम्हें कौन आम प्रकृत माँ नुह, सत कथा कह, आम आज सब कथा जाणी सारी। हाँ रे पिला माने, मु तुम प्रकृत माँ नुह, आउ मु डर रे तुमको एक कथा कही नथिली, काहेकि ना मु चाहू नथिली तुम्हें माने सत कथा जाणिले मते छाड़ी चली जीवनी। तो हेले मोर ए दुनिया रे तुमको छाड़ी देले आउ केही भी नथिले, सेथि पाई मु तुम दुजन को निज झिया भली रखिली आउ भल पाई बसिथिली। नाई मा, तुम्हें आम को छोटर बड़ करिच, आमर सब अली रखिच, निजे भलरे न खाई आम मान को खाइबा को देइच, आमे माने तुमको छाड़ी कुआडे भी जीवु नहीं। ना मीनु, आमको तो जीवा को पड़िब, आमे होउजे राणी कर झियो, आमे राजकुमारी, आमको से नुआ जादूर घर को जीवा को ही पड़िब। दीदी तु ये कौन कहुचु? मिकी ठारु एमिति सुनी टिकी चढ़ी बहुत मन दुख कला, आउ कहिला ठीक अच्छे माँ, जेबे तुम्हें माने तुम सब कथा जाणी सारी, एबे माने तुम्हें चाहिले तुम असल घर को फेरी जाई पार, हेले मु एठारे एकाटिया रही जिबे। ना दीदी, तु ये कौन कहुचु? आमे माने माँ को ए अवस्था छाड़ी केमिति चली जिबा, माँ देह भी भल नाई, आउ माँ पाखरे आम छड़ा आउ किए अच्छे। मीनु, आमे माने आम घर को जिबा सत, हेले एका नुहे, आमे माने आम माँ को नहीं से घर को जिबा, जोठी आम माँ नहीं से घर केबे हेले आम घर नुह। से तीनोटी जातुर घरे आमे माने तीनी जन रहिबा, सेथि पाई तो आम प्रकृत माँ आम दुई भौनिंक पाई तीनोटी जातुर घर करि देइछंती, तीनी घरे माँ तु आउ मु रहिबा। एमिति सुनी मीनु आउ टिके चढ़ी बहुत खुशी होई गले। तापर समस्ते मिसी से जादूर घर को गले। से जादूर घर टंका सुनारे भरी होइथिला। टिकी चढ़ी निज दुई झियंक सह से जादूर घरे बहुत खुशी रे रहिला। दूर एक जंगल रे सानुकाऊर परिवार रहुथाए, ता घरे ता स्त्री रानुकाऊ ता पुओ जगुकाऊ सहित रहुथाए। रानु आउ सानु थांदी खळ प्रकृतिर, किंतु तांका पुओ जगु थाए बहुत भल स्वभावर। से ही जंगल रे मिकी आउ मीनू नाम रे दुई भौणी रहुथांदी।
तांका बापा आउ मांगो गोटे दुष्ट चिला मारी खाई दे थाए। तेनु दुई भौणी तांका घरे एका रुहंती। दुहे भारी परिश्रमी। से माने घर पाखरे गोटे जलखिया दुकान करी थांती। सेथिर जो पैसा आसे दुई भौणी हस खुशी चले जाती। दिनकर घटना मिकी घर जलखिया दुकान रे रानु आउ सानु जलखिया खाइबा को आसी पहुंचिले। मिकी गोटे जलखिया प्लेट दे तो भारी भूक हेलाणी। आउ हाँ प्लेट भल कि धोई सफा करिबो। हाँ मौसा मुए संगे संगे दउची। आमर सब बेले सफा सुतरा आउ चारियारे परिष्कार। तू एत्ते कथा कहनी जल्दी खाइबा को दे। दीदी तू जा नदी रु पानी नै आसिबो मु खाइबा को दे दउची। ना मिनु मु खाइबा को दे पानी आनिबा को जिबी। तू जा तोर कॉलेज टाइम होई गलाणी। अरे तुमे दु जण कथा हेबो ना मको खाइबा को भी देबो। तापरे मिक्की चढ़ेयानी जलखिया देला। रानू आउ सानू खाइले। तापरे से माने टंका नदे सेठरु चाले जेबा को बाहरिले। सानू मौसा जलखिया खाइबार टंका त दियो। कौन हैला तू मते टंका मागुचु? मु होउची ए जंगल रे मुखिया आउ तू मते टंका मागुचु। मु चाहिले काली सकाळ कु तोर दुकान एठी नथिबो। हेले मौसा आमर छोटिया दुकान तुम्हें जदि एमिति बारंबार टंका न दे खाइब ताहले आमे चलिबु केमिति? हौ हौ तू पैसा बाकी खातरे पकेइ दे पछरे नै जिबु। एमिति कहि सानु आउ रानु काउ सेठार चली गले। मिक्की आउ मिनु मन दुखरे बसी थांती। सेतिक बेले बबलु पारा आउ जगो काउ आसी सेठारे पहुंची गले। अरे मिक्की तू एमिति मन दुखरे काहे कि बसीचु? तोर कौन होईचि? मिनु तू भी मन दुख करचु? जगु तुम बापा मा सब दिन आसी आम दुकान रु जलखिया खाई चली जाउचंती किंतु गोटे भी टंका दउ नहंती। तू चुप कर मिनु जगु को कहिले से कौन करिवो? अरे जगु तू तो बापा मा को टिके बुझा से मिक्की आउ मिनु सह एमिति काहे कि करूचंती। मिक्की मु आउ कौन करि परिबे? से माने त मो बापा मा मु तो तांको विरोध रे जाई परिबिनि। हां मु से माने खाइथिबा टंका देई परिबि। हेले तुम्हें टंका कोठु आनिबो? तुम्हें कोन रोजगार करछ? मते मो खर्च पई जे टंका मिलुची सेही टंका मु तुमको दे देबि। हौ तुम्हें माने सब बसी था मु जाउछि नदीरु पानी नै चली आसे आउ टिके गला परे बहुत भिड़ होइ जिवो। अरे मिक्की मु तो तते असल कथा कहिबा को भूली जाइछि। नदी रे तो पानी जम्मा नाही पानी सब सुखी जाइछि। आमे एबे से बाट दे आसिलो। कोन हैला पानी सब सुखी जाइछि ताहेले आमे एबे कोन करिबा? आमे केमिति पानी पीबा? बहुत दिन हेइ गलानी त वर्षा हेउनी। लोक माने निज स्वार्थ पई सब गछ काटि देउचंती। जनसंख्या वृद्धि जगु चारियाडे खाली सीमेंट इटार घर। घर करिबा पई चाष जमी को भी छाड़ नहांती। बड़ बड़ गच्छ सब हाणि दौछंती जहाँ फल परिवेश संतुलन हरे बसुची आउ वर्षा हेब केमिति? सिथि पई तो नदी नाल चारियाडे पानीर अभाव देखा गलानी। आमे माने जहाँ छटपट होई मरिबा कथा ताहेले आमे एबे कोन करिबा? चलो आमे माने ए जंगल छाडि चले जिबा आउ कोठी घर करि रहिबा। मिनु आमे सिने चली जिबा हेले दुकान घर को कोन नै जिबा सेठी जाय चलिबा केमिति खाइबा कोन? चलो आमे माने जाय भगवान को प्रार्थना करिबा तापरे वर्षा हेबो। हाय सुना तुमे माने सब जाओ मु टिके परे जिबी। तापरे मिनु बबलु आउ जगु काउ सेठरु चली गले। मिक्की चढ़े बसी भाबीबा को लागिला पानी रत एत्ते अभाव देखा गलानी मु जाय सब दिन किछि समय बाहर करी घर पछपटे गात खोलिबा को लागिबी काले सेठरु पानी बाहरिबो। एमिति किछि समय भाबीबा परे मिक्की चढ़े तांको घर पछपट को खोलिबा को लागिला। किछि समय खोलिबा परे ताकु दुईटी माठिया मिलिला। माठिया दुईटी चिक चिक करथिला। गोटे थिला सुनार माठिया आउ गोटे थिला रूपार माठिया। आरे ए माठिया को एथि के पुति थिला? ए तो बहुत चिक चिक करुची। हौ मु जाउची याकु घर को नै जिबी। किछि समय परे मिनु चढ़े आसी घरे पहुंची गला। दीदी मते बहुत भूक लागलानी दे त कोन खाइबा को अछि? सेठि खाइबा रखि देइची तू जा खाई नबो। तापरे मिक्की जाय देखे सेठारे किछि भी खाइबा नाही। दीदी एठी त किछि भी खाइबा नाही मु कोन खाइबी? कोन हैला मु पा एबे खाइबा रखि के आसिली तू कहू छु खाइबा नाही?
ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି, ତୁ ଆସି ନିଜେ ଦେଖ। ଆରେ ସତରେ ତ ମୁଁ ତ ଏଠି ଖାଇବା ରଖିଥିଲି, ବୋଧେ କିଏ ଆସି ଖାଇବା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସବୁଦିନ କେହି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇ ଦେଉଥାଏ। ମିକି ଓ ମିନୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ଆମେ ତ ରୋଷେଇ କରି ଥୋଇଲା ପରେ ଆମ ଖାଇବା ଖାଉଛି କିଏ। ଦିନେ ମିକି ଓ ମିନୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେଲେ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ବସିଲେ ଖାଇବା କିଏ ଖାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଟି ମାଠିଆ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ପରି ବାହାରିଲେ, ସୁନା ପରି ଆଉ ରୂପା ପରି। ଦୁହେଁ ବସି ବହୁତ ଆରାମରେ ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ମିନୁ ଆଉ ମିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ସୁନା ପରି ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ରୂପା ପରି। ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏ ମାଠିଆ ଭିତରେ କାହିଁକି ଅଛ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଆମେ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲିବୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ମାରିଦେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛୁ। ହେଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପରି, ତୁମ କତିରେ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମକୁ କିଏ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିପାରିବ? ଆମର ସମସ୍ତ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ଆମ ପରରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେଇ ପରଟି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ନେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛୁ। ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ଚିଲ ଅଛି, ହଁ ହଁ ସେଇ ଚିଲ ତ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ସିଏ ଭାରି ବଳୁଆ ମଧ୍ୟ। ଦିଦି ଆମେ ଯାଇ ସେଇ ଚିଲ ଠାରୁ ତା ଯାଦୁଇ ପର ନେଇ ଆସିବା। ହଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲେ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା କେମିତି? ଦିଦି ଆମେ ବବ୍ଲୁ ଆଉ ଜଗକୁ କହିବା, ସେମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ନା ମିନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ସେ ଜାଣିଦେବ, ତାର ସନ୍ଦେହ ହେବ, ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ସେତିକି ବେଳେ ବବ୍ଲୁ ପାରା ଆଉ ଜଗକୁ ଆଉ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମିକି ଆଉ ମିନୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ମିକି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ସେ ଚିଲ। ବାପା କହୁଥିଲେ ତାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଦରକାର। ବାସ୍ ଆମ କାମ ଏବେ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଚିଲ ଘରକୁ ଚାକରାଣୀ ହୋଇକି ଯିବି। ଏହି କଥାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ମିକି ଚଢ଼େଇ ଚାକରାଣୀ ହୋଇ ଚିଲ ଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ମିକି ଜାଣିଲା ଚିଲ ଶୋଉଥିବା ତା ବିଛଣା ତଳେ ସେ ପରଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ମିକି ଚଢ଼େଇ ଥରେ ଘର ଝାଡ଼ିବାର ବାହାନା କରି ତା ଖଟ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କଲା ଆଉ ସେ ପରଟିକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ହେଲେ ଆସିବା ବାଟରେ ଚିଲ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ ସିଏ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ମିକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ସେଇ ମାଠିଆ ପାଖରେ ପରଟିକୁ ପକାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିଲ ଆସି ମିକିକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଥାଏ, ମାଟିଆରୁ ପରି ଦୁଇଟି ବାହାରି ଚିଲଟିକୁ ମାରିଦେଲେ। ପର ପାଇବାରୁ ସୁନା ପରି ଆଉ ରୂପା ପରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ। ତୁମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମିକି, ଆମେ ତୁମର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବୁନୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ପରି ଆମର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ଯାଦୁ ବଳରେ ବର୍ଷା କରେଇ ଦିଅ। ଆମେ ସିନା ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା କରେଇ ଦେବୁ, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଣି ପୁଣି ଶୁଖିଯିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଯାଦୁର ମଞ୍ଜି ଦେଉଛୁ, ଯାହାକୁ ବୁଣିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେବ। ତାପରେ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମଞ୍ଜି ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ନଦୀ ନାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭରିଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସୁନା ପରି ଆଉ ରୂପା ପରି ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ପରି ତୁମେ କ'ଣ ଚାଲିଯିବ? ହଁ ମିକି, ଆମେ ଏଠାରୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ମାଠିଆ ଦଉଛୁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ। ମାଠିଆ? ହେଲେ ଏ ମାଠିଆ ଆମର କ'ଣ ହବ? ତୁମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ସେମିତି ମାଠିଆ ଭାବନି, ଏହା ହଉଛି ଯାଦୁର ମାଠିଆ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଯାହା ବି ମାଗିବ ସେ ତୁମକୁ ଦବ। କ'ଣ ହେଲା, ଯାଦୁର ମାଠିଆ? ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହୋଇଯିବୁ। ନା ମିନୁ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହଁ
आउ जदि तुम्हें लोभ कर ताहले ए माठिया भांगी जिबो। एमिति कही सुन्ना परी आ रूपा परी से दुईटी माठिया दुई सेठरु चली गले। मीनु आउ मिकी से माठिया को नहीं समस्त को साहय कले। माठिया को किसी धन मागिले आउ से धन रे गरीब लोक मानकर साहय कले। से परिमानकर दुईटी जादुई माठिया द्वारा दुई भौणी बहुत खुशी रे रहिले। सांग माने कहानीटी केमिति लागिला कमेंट रे हमको निश्चय जणाइबे। आउ आगो को यही कहानी देखिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करिबे।